जय श्री राम मित्रों, मैं आप सबका अपना भाई, आप सबका मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बड़े भाई IPS आनंद मिश्रा सर बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको नीचे दिखाने के लिए असम को मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और उनके बारे में नाप शराब बुलाया जाता है। वही मुख्यमंत्री जो कल तक लोकसभा में खड़ा होकर बोलते हैं कि IPS आनंद मिश्रा सर ने जो करके दिखाया है वो किसी के बस की बात है। इज़ ए वेरी सिंसियर पुलिस ऑफिसर, इज़ ए वेरी डिवोटेड पुलिस ऑफिसर। लेकिन आज क्या हो गया जो उन्हीं के बारे में गलत सलत बोला जाता है और उनको बोला। और वहीं कल तक BJP का ही असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो कल तक IPS आनंद मिश्रा सर का बड़ाई छाटने में कहीं कमी नहीं करते थे, चाहे लोकसभा हो या कहीं भी हो, आज वही कल वहाँ रैली करने आए थे तो IPS आनंद मिश्रा सर के बारे में क्या क्या बोल रहे थे कि वो RJD का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है, पैसा लिया है, पैसा लेके बैठ जाएगा, उसका वोट कटवा है। सर, आपका जो कैंडिडेट है ना मिथिलेश तिवारी, वो इतना डर गया है ना सर कि कुछ भी आप लोग अब बोल रहे हैं। सर, इतना वो व्यक्ति डर गया है कि IPS आनंद मिश्रा सर को इतना मतलब परेशान किया जा रहा है कि कभी उनका कर्मदान संख्या जो है 8 कर दिया, 7 कर दिया जाता है, फिर 8 कर दिया जाता है, फाइनली उनका जो कर्मदान संख्या है वो 8 कर दिया गया है और एप्पल छाप है, एप्पल सेव मित्रों। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मित्रों को, भाइयों को सपोर्ट करें और एप्पल को प्लीज़ न भूलें, सेव। और प्लीज़ ए फॉर आनंद मिश्रा सर, ए फॉर एप्पल, जाकर बिल्कुल दबा कर वोटिंग करें दोस्तों। और ऐसे आप लोग डिजर्व नहीं करते हैं सर। मैं भी चाहता हूँ सर कि प्रधानमंत्री जी ही मोदी ही बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि अच्छे कैंडिडेट को लोग सपोर्ट करना छोड़ दें। कभी कंपेयर करिए हैं सर, कभी कंपेयर कर लीजिएगा सर, मिथिलेश तिवारी में और IPS आनंद मिश्रा सर में, दोनों में कौन काबिल है। एक पढ़ा लिखा अधिकारी जो आपके स्टेट में क्या से क्या था और क्या से क्या वो व्यक्ति कर दिया, जिसका गुणगान आप भी करते हैं, उसके लिए आपको भी सैल्यूट। लेकिन आज जो आपने किया, क्या अच्छा किया क्या? कल तक आप ही लोग उसको टिकट देने के लिए BRS बेचारा को क्या रिजाइन देना पड़ गया, और आने के बाद मालूम चला कि टिकट भी नहीं मिला। वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के लोगों ने उसको बोला कि सर आप चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, निर्दलीय ही लड़ो, तो क्या गलत कर दिए क्या? मित्रों, आप लोग प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग से सोचें कि आप लोग के लिए अच्छा कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, कौन आपके लिए क्या किया कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो आपके गांव का नहीं हो वो क्या विकास करेगा? मित्रों, जिसे आपके गांव का मोहल्ला नहीं पता हो, नाला नहीं पता हो, कुछ नहीं पता हो यार, न ब्लॉक पता हो, न कुछ पता हो, वो क्या आपके लिए काम करेगा? तो प्लीज़ आप लोग अच्छे कैंडिडेट को चुने और IPS आनंद मिश्रा सर को सपोर्ट करें। एप्पल छाप सेव है मित्रों, और कर्मनांग संख्या जो है 8 हो गई है सर, फाइनली 8 है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें बड़े भाई IPS आनंद मिश्रा सर को। जय हिंद मित्रों।